हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। नाउ वी आर द फैमिली ऑफ 200 सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर लिटरेरी मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वाइज। फर्स्ट लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट विद द एज ऑफ चौसर, देन एज ऑफ मेडिवल, फिर एज ऑफ एलिजाबेथ, देन सो ऑन। सारी एज कवर होगी एंड विद द एज वाइज वी कवर ऑल लिटरेरी मूवमेंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ लिटरेरी मूवमेंट स्कॉटिश चौसरियन एंड इंग्लिश चौसरियन। स्कॉटिश चौसरियन आर राइटर फ्रॉम स्कॉटिश। दे फॉलो राइटिंग स्टाइल ऑफ चौसर, जियोफ्री चौसर। एंड इंग्लिश चौसरियन भी इंग्लिश राइटर थे जो जियोफ्री चौसर को फॉलो करते थे। एंड दिस फ्रेज स्टार्टेड फ्रॉम द वर्क ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का पहला वर्क था द किंग स्क्वायर। इस वजह से ही इस चौसरियन वर्ड फ्रेज स्टार्ट हुआ। सो लिस्ट ऑफ राइटर फ्रॉम द स्कॉटिश चौसरियन लाइक जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, विलियम डनबर, गार्विन डॉगलस एंड रॉबर्ट हेनरीसन, दीज आर स्कॉटिश। इंग्लिश चौसरियन थे थॉमस हॉकले, जॉन लैंगडेड, स्टेफन हॉक्स, जॉन स्केलेटन एंड अलेक्जेंडर बार्कले। सो दीज आर द राइटर्स। पोइटिक मेकर्स किन्हें बोलते हैं? ये UGC नेट में दो बार क्वेश्चन आया हुआ है एंड इन सेट एग्जाम ऑल्सो इट अपियर। हु आर पोइटिक मेकर्स? तो ऑप्शन में आ जाता है कई बार। तो सो फर्स्ट इज विलियम डनबर, गार्विन डॉगलस एंड रॉबर्ट हेनरीसन। दीज आर कॉल्ड एज द पोइटिक मेकर्स। अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड एट द लेट अर्ली पीरियड ऑफ एलिजाबेथन एरा, दैट इज यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट का जो नाम है वो टर्म कॉइन किया गया था बाय द जॉर्ज सेंटबरी। ही इज़ द 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट। इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। दिस ये जो टर्म है बेसिकली उन राइटर के लिए है जो एजुकेटेड हुए थे फ्रॉम द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन द 16th सेंचुरी। रॉबर्ट ग्रीन इज़ द फर्स्ट राइटर, फर्स्ट नोटोरियस राइटर, प्रोफेशनल राइटर, क्योंकि उस समय क्रिटिसिज्म लिखना अलाउ नहीं था और पब्लिकली वो पैम्पलेट थे वो पब्लिश भी नहीं हो सकते थे। बट रॉबर्ट ग्रीन इज़ द फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। राइटर्स जो ऑक्सफर्ड से एजुकेटेड हुए थे वो थे जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील। सो दीज आर राइटर फ्रॉम द ऑक्सफर्ड। एंड कैम्ब्रिज से थे वो राइटर थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। दीज आर राइटर फ्रॉम द कैम्ब्रिज। बट एक्सेप्शनल इनमें है थॉमस किड। थॉमस किड हमें स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए फेमस है और वो यूनिवर्सिटी विट में इंक्लूड होते हैं बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल। दो ही वॉज नॉट गॉट एजुकेटेड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। उन्होंने ना ही ऑक्सफर्ड से ना ही कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है बट इनकी राइटिंग स्टाइल के वजह से ही वॉज इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी विट। रीडिंग सन ऑफ बैन और ट्राइब्स ऑफ बैन वी विल कवर द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट द स्कूल ऑफ नाइट। स्कूल ऑफ नाइट कई बार स्किप कर दिया जाता है बिकॉज मैनी स्टूडेंट डज नॉट नो कि ये भी एक लिटरेरी मूवमेंट है। यस इट इज़ लिटरेरी मूवमेंट स्कूल ऑफ नाइट। ये स्कूल ऑफ नाइट सेंटर्ड किससे सेंटर थे? द वॉटलर रैलिक, और इसे हम अनदर नाम से भी जानते हैं द स्कूल ऑफ एथिज्म। इस ग्रुप में इंक्लूडेड थे क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज चैपमैन एंड मैथ्यू रेडॉन, थॉमस हैरियट। सो ये जो दो नाम है मार्लो एंड चैपमैन दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो थे ये इम्पॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि दे आर नॉट फ्रॉम द लिटरेचर फील्ड। सन ऑफ बैन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्राइब ऑफ बैन। ये इंग्लिश प्ले राइट थे ऑफ 17th सेंचुरी। हु आर फॉलोइंग बैन जॉनसन राइटिंग स्टाइल, हिज क्रिटिसिज्म, हिज फिलोसफी एंड क्लासिसिज्म। ये जो टर्म है ये अकॉर्डिंग टू जॉन ली डेविज, इन्होंने 11 प्ले राइट को लिस्ट किया गया है अंडर द सन ऑफ बैन। वो प्ले राइट्स थे लाइक रिचर्ड ब्रोमे, थॉमस नैब, हेनरी ग्लैपथॉन, थॉमस किलग्रीव, विलियम डेवनैंड, विलियम कार्ट्रिज, स्केरले मार्मियन, जेस्पर मैने, पीटर हॉस्टेड, थॉमस रेडोल्फ एंड विलियम कैवेंडिश। अब इसमें इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिचर्ड ब्रोमे, मस्ट रिमेंबर दिस हिज नेम। विलियम डेवनैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, विलियम कार्ट्रिज, थॉमस रेडोल्फ एंड विलियम कैवेंडिश। मेटाफिजिकल पोइट्स। नाउ द टर्म मेटाफिजिकल इज कॉइंड बाय क्रिटिक सैमुअल जॉनसन to describe the loose group of writer of the 17th century in his work The Lives of Most Eminent English Poet in the chapter of Abraham Cowley. तो इस chapter में Samuel Johnson ने ये word metaphysical तो ये याद रखना metaphysical term coin किया. Now the key fact is John Dryden first say he affects the metaphysical. He means John Donne affect the metaphysics. So in the exam it is also asked that who said
हु सेड दिस टर्म, हु सेड दिस कोटेशन इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को इफेक्ट करता है वो किसने कहा था, जॉन ड्राइडन. देन बेन जॉनसन ऑल्सो डज नॉट अप्रूव दिस राइटिंग स्टाइल, जो मेटाफिजिकल राइटिंग स्टाइल थी वो अप्रूव नहीं की थी बाय बेन जॉनसन, बिकॉज इट वॉयलेट द मीटर, राइमिंग एंड वर्सिफिकेशन. ये वॉयलेट किया था इस वजह से जॉन डन ने अप्रूव नहीं किया. ही सेड डन फॉर नॉट कीपिंग अ सेंट डिजर्व हैंगिंग. सो इन्होंने एक बहुत रूडली कोटेशन दिया था कि अगर डन फॉलो नहीं करते असेंट सो ही डिजर्व हैंगिंग. देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्रिटिक इज टी एस एलियट, जिन्होंने एक वर्क है द मेटाफिजिकल पोएट, ही यूज द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. इसका मतलब है अ इंटेलेक्चुअल थाट दैट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन द 17th सेंचुरी पोइट्री. सो इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल राइटर लाइक जॉन डन, थॉमस कैज्यू, हेनरी क्रशा, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वाहगम, थॉमस टेरेन, ये इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल राइटर है. कैविलियर पोइट्स, इंग्लिश पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी दैट केम फ्रॉम द क्लासेस दैट सपोर्ट द चार्ल्स वन, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे राइटर्स, वो कहलाते थे एज अ कैविलियर पोइट्स. एंड द कैविलियर पोइट्स आर हेनरी ड्रममाउंड ऑफ हैथॉर्न, रॉबर्ट हेरिक, एडमंड वॉलर, सर जॉन सकलिंग, सर जॉन डेनहैम एंड सर रिचर्ड लवलेस, दीज आर द कैविलियर पोइट्स. कैविलियर पोइट्स की जो क्या खासियत होती थी वो थी दे सेलिब्रेट ब्यूटी, लव नेचर, सेंशुअलिटी, ड्रिंकिंग, गुड फेलोशिप, हॉनर एंड सोशल लाइफ, ये सब उनकी थीम होती थी अधिकतर उनके पोइट्री से हमें पता चलता था. इट ऑल्सो मिरर द इम्पॉर्टेंट टर्म कार्पेडियम दैट मीन्स द स्नीज द डे, एंड ऑल्सो इट हैव द उनकी पोइट्री में थीम्स होती थी बोइट्वस टॉन एंड प्लेटोनिक लव. डिवोशनल पोइट्स आर दोज पोइट्स, उनकी जो पोइट्री से हमें रिलीजियस वर्शिप एंड प्रेयर एक्सप्रेस होती थी. द पोइट्स आर लाइक जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वाहगम, थॉमस टेरेन एंड रिचर्ड क्रशा. जॉर्ज हर्बर्ट की टेम्पल पोइट्री थी, वाहगम की सिसेक्स सिनेटन, थॉमस टेरेन की सेंचुरी एंड रिचर्ड क्रशा का वर्क है स्टेप टू टेम्पल्स. एंड अनदर वन इम्पॉर्टेंट अनदर राइटर ऑफ डिवोशनल पोइट इज एन ए फिंच, उनकी जो पोएम थी द स्पेलिन. तो ये थे डिवोशनल राइटर्स. अनदर लिटरेरी मूवमेंट इज कॉमेडिया डिलाटे, इट मीन्स द कॉमेडी ऑफ अ प्रोफेशन. ये फ्लरिश हुआ था इटली में इन द 16th सेंचुरी. इट इज़ द थ्रेटिकल फॉर्म, और ये डायलॉग में एंड कलरफुल स्टॉक्स कैरेक्टर होते थे इसमें. लाइक अ स्टॉक कैरेक्टर वो दर्शाते थे सोशल सिस्टम एंड बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ फुलिश, इंटेलेक्चुअल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन में पाई जाती थी वो स्टॉक कैरेक्टर्स से दिखाई जाती थी एज अ स्टीरियोटाइप फ्रिक्शनल पर्सन. आर्मेट्री फ्रिक्शन राइटर्स, ये कौन से राइटर्स थे जिनकी राइटिंग स्टाइल जो डोमिनेट करती थी बाय द वीमेन और फीमेल रीडर्स. जो आर्मेट्री फ्रिक्शनल राइटर थे वो मेनली वीमेन थी. लाइक थ्री राइटर्स, एलिजा हेवुड, डेलवेर मैनले, अल्फ्रा बैन. जो एलिजा हेवुड है उनका जो फेमस वर्क है लव इन एक्सेस एंड फैंटोमिनिया, ये वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अनदर इज मैनले का जो अनदर वर्क है द लॉस्ट लवर. अल्फ्रा बैन इंपॉर्टेंट वर्क द हिस्ट्री ऑफ नन. देन दीज थ्री राइटर ऑल्सो नोन एज द फेयर ट्रम्पेट विट, किट कैट क्लब एंड इट इज ऑल्सो नोन एज किट कैट क्लब. इट इज़ द 18th सेंचुरी क्लब इन लंदन ऑफ द राइटर्स हु फॉलो द विंग पॉलिटिकल पार्टी. जो विंग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे मेनली वो राइटर्स इस क्लब में इंक्लूडेड थे. और ये जो नाम है वो रखा गया था क्रिस्टोफर कैटलिंग, मीन्स उनको उनका जो निक नेम था किट उनके ऊपर उनका नाम रखा गया था. एंड जो उनके घर था उनका टेम्पल बार में, वहाँ पर मीटिंग होती थी. तो मेंबर्स आर विलियम कॉनग्रेव, जॉन लॉक, सर जॉन वाहगम एंड जोसेफ एडिसन. दीज आर द मेंबर्स ऑफ किटकैट क्लब एंड पॉलिटिकल मेंबर्स थे. कुछ जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे उनके नाम याद रखना है, जैसे कि ड्यूक ऑफ सॉमरसेट, अर्ल ऑफ बुर्लिंगटन, ड्यूक ऑफ न्यूकैसल एंड रॉबर्ट वॉलपोल. तो ये इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट वॉलपोल. देन द स्क्लूबरस क्लब, ये जो क्लब था ये एक इनफॉर्मल क्लब है ऑफ ऑथर एसोसिएशन इन लंदन. और ये भी 18th सेंचुरी मीन्स अगस्टन एज में ही ये क्लब फॉर्म हुआ था. इस क्लब के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं लाइक जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ग्रे, जॉन अर्बुटनॉट एंड हेनरी सेंट जॉन एंड इंपॉर्टेंट राइटर थॉमस पार्नेल. स्क्रूबरस क्लब में एक इंपॉर्टेंट पर्सोना भी क्रिएट किया गया था,
हु इज़ द मार्टिस स्क्लोबरस, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सोना था जिसके नाम पर ये राइटिंग जो थी अपनी अकम्पनिश करते थे विद देयर सेटायरिकल एम. देन ग्रेवयार्ड पोइट्स और ऑल्सो नोन एज द चर्च यार्ड पोइट्स, इट इज़ द जेनर ऑफ 18th सेंचुरी एंड दे आर द प्री रोमेंटिक एज पोइट. इनका जो कैरेक्टरिस्टिक था, राइटिंग स्टाइल था, वो फोकस होता था ऑन द डेथ एंड ग्लूमी. फर्स्टली द ग्रेवयार्ड स्कूल नेम इज़ यूज फॉर 4 पोइट्स. देन आफ्टरवर्ड अनदर राइटर, दूसरे राइटर भी ये स्टाइल ग्रेवयार्ड पोइटिंग राइटिंग स्टाइल लिखने में यूज़ करने लगे. द फर्स्ट 4 राइटर लाइक थॉमस ग्रे, जिनकी इंपॉर्टेंट वर्क है एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड. दिस वर्क इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ पोइट रिचर्ड वेस्ट. देन थॉमस पार्नेल, जिनका इंपॉर्टेंट वर्क है नाइट पीस ऑन द डेथ. रॉबर्ट ब्लेयर, हिज वर्क इज़ द ग्रेव. इनके नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ रिटन ऑन द डेथ. देन एडवर्ड यंग, नाइट थॉट. सो दीज आर फोर राइटर. फर्स्टली इन्हें हम ग्रेवयार्ड स्कूल में इंक्लूड करते थे. फिर बाद में अनदर पोइट्स आते गए लाइक पार्नेल, कीट्स. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर कोई भूल जाता है कि कीट्स इसमें इंक्लूड है या नहीं है. यस, कीट इज़ इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. देन थॉमस वार्टन, थॉमस पर्सी, थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर एंड क्रिस्टोफर स्मार्ट, ये जो राइटर थे ये इंक्लूड थे ग्रेवयार्ड पोइट्स में. फिर इनके अलावा और भी थे लाइक रॉबर्ट ब्लेयर, जेम्स मैकपर्सन, मार्क एक्लिनसाइट, थॉमस चैटर्टन, मस्ट रिमेंबर थॉमस चैटर्टन, देन जेम्स थॉमसन एंड एडवर्ड यंग. सो दीज आर द ग्रेवयार्ड पोइट्स. सो आफ्टर दिस वीडियो इन द सेकेंड सेशन आई विल कवर द लिटरेरी मूवमेंट ऑफ रोमेंटिक एज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.